हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एंटी सीरीज प्रो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंटी सीरीज प्रो में। मैं टेक्निकल निखिल आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे GTA 5 को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम एडिशन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने PC में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है, आपको भी ऐसे ही एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है एपिक गेम्स। अरे यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपके पास जो ये पहले वाली लिंक आ रखी है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास ये वाला खुल जाएगा, ऐसा पेज आपको खुल के मिलेगा। आपको यहाँ पर जैसे अब दिख रहा है कि ये प्रीमियम एडिशन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। GTA 5 है ये, आपको देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। वैसे इसका प्राइस है $24.99, लेकिन ये अभी इस पर सेल चल रही है जिसमें आपको ये फ्री में मिल रहा है। 21 मई को आपको रात 8:30 बजे तक ये सेल अवेलेबल है, आप इतने देर में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस गेम का टोटल साइज दिया गया है यहाँ पर 95 GB। हाँ, इस गेम का साइज है 95 GB। आप इस गेम को डायरेक्टली सिम से डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके पास एक बेटर गुड कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का, तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक एपिक गेम्स का ऐप होना चाहिए। उस ऐप को आप डाउनलोड कर अपना ID बनाकर उसे लॉग इन करके आपको ये डाउनलोड होगा। तो आप जल्दी से जाइए और इस गेम को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस एपिक गेम के ऐप को। फिर इस गेम को डाउनलोड कीजिए और इस गेम का मज़ा लीजिए। और इसमें आपको प्रीमियम एडिशन है जिसमें आपको सारे वर्जन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन एडिशन, RP मोड, सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको इसमें 1 बिलियन बोनस भी मिल रहा है GTA Online के लिए, जिससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं इस गेम में। आपको मैं इस गेम के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसके लिए रिकमेंड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट की तरह बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है Windows 10 होना चाहिए या फिर Windows 8 या फिर Windows 8 64-bit होना चाहिए या फिर Windows 7 का Service Pack 1 होना चाहिए। ये सब आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका प्रोसेसर Intel Core 2 Quad प्रोसेसर होना चाहिए, यानी 4 Core वाला प्रोसेसर होगा, तभी आपका ये गेम चलने वाला है। इसमें आपके पास मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट 4 GB होती है, 4 GB रैम होना चाहिए। आपके पास ग्राफिक्स तो 2 GB होना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी ग्राफिक्स हो। आपके पास DirectX कॉम्पैटिबल होना चाहिए, 10 DirectX होना चाहिए और 90 GB का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। चलिए तो और आपके पास अगर रिकमेंड है, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें गेम हमारा हल्के लैग में चलता है, लेकिन ये जो रिकमेंड वाला है इसमें हमारा गेम बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। आप इसमें बिल्कुल ही आराम से इस गेम को चला सकते हैं, ये बहुत ही इजीली चलेगा। तो इसके लिए हमारे सिस्टम रिक्वायरमेंट है Windows 10 का 64-bit, Windows 8.1 का 64-bit, Windows 8 का 64-bit, Windows 7 का 64-bit, 6 Server Pack 1। आपको फिर यहाँ पे मिल जाता है इंटेल प्रोसेसर i5 होना चाहिए, 3rd Generation होना चाहिए, 8 Core CPU होना चाहिए और 8 GB रैम होना चाहिए। आपके पास 2 GB ग्राफिक्स होना चाहिए और DirectX कॉम्पेटेबल होना चाहिए, तभी आप इसको खेल पाएंगे, वरना आप नहीं खेल पाएंगे इसे। आप इधर जैसे ही गेट के बटन पर क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। यह कोई भी क्रैक वर्जन नहीं है, यह बिल्कुल रियल वर्जन है, इसमें आपको किसी भी तरीके का वायरस नहीं मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ यही था हमारे वीडियो का आज का टॉपिक। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हम नई वीडियोज लाते रहेंगे ऐसे ही। धन्यवाद।